नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू डीप थिंकिंग चैनल। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरह आप पुराने हार्ड डिस्क को रिपेयर कर सकते हो एंड पुराने हार्ड डिस्क में जो पासवर्ड लगा हुआ है वही पासवर्ड किस तरह आप रिमूव कर सकते हो, इसी वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा व्यूअर्स। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखें व्यूअर्स, ओके। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा हुआ है, ये पुराना हार्ड डिस्क है। दिखाऊंगा आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिस्टम से किस तरह आप अपना हार्ड डिस्क को रिपेयर कर सकते हो व्यूअर्स, ओके। एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा व्यूअर्स, आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर लेना, एक पीसी पे 3 हार्ड डिस्क आप एक्स्ट्रा एक साथ आप लगा सकते हो, यानी एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो 3 हार्ड डिस्क एक पीसी पे। इसका भी प्रोसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे दिखाने वाला हूं व्यूअर्स, ओके। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं पुराना करप्टेड हार्ड डिस्क को किस तरह रिमूव किया जाता है, पासवर्ड एंड करप्टेड हार्ड डिस्क को किस तरह ठीक किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्क्रीन यहाँ पे शो कर रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे दिख रहा है लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर रिकमेंडेड दिखा रहा है। अगर विंडोज में अगर नॉर्मली स्टार्ट करूंगा तो ये नॉर्मली स्टार्ट नहीं होता, तो रिपेयर करना पड़ता है। तो रिपेयर आप लोग देख लीजिए किस तरह मैं रिमूव करता हूँ पासवर्ड एंड किस तरह इस हार्ड डिस्क को मैं रिपेयर करूंगा, आप लोग देखते रहिए वीडियो को, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ रहे होंगे, क्या शो कर रहा है, स्टार्टअप रिपेयर एंड रिपेयर कैन नॉट रिपेयर दिस कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली रिपेयर नहीं हुआ है यहाँ पे व्यूअर्स। तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को पता होगा शायद, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपना कंप्यूटर यानी हार्ड डिस्क को सही कर सकते हो। तो एडवांस ऑप्शन मैंने क्लिक किया, इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है व्यूअर्स, यूजर नेम यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए एक ही यूजर नेम है तो पासवर्ड यहाँ पे लगे, लेकिन मुझे पासवर्ड नहीं है। मैं पासवर्ड यहाँ पे तो देख ले होंगे आप लोग, जो पासवर्ड मेरा था वो मेरा, लेकिन द यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट दिखा रहा है व्यूअर्स, ओके। इस पासवर्ड को पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फॉर्मेट भी कर सकता हूँ एंड इस हार्ड डिस्क को मैं रिपेयर भी कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स देखते रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पे कैंसिल कीजिए, प्रोसेस में आप लोग को दिखाने वाला, आप लोग देख लीजिए। तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखिए, आर यू श्योर वांट टू एग्जिट द रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, यानी अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा व्यूअर्स, आप लोग देख लीजिए। व्यूअर्स वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना व्यूअर्स, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो व्यूअर्स देखिए दोबारा यहाँ पे इस तरह शो कर रहा है फ्रेंड्स, तो यानी विंडोज रिपेयर नहीं हुआ है। तो मुझे अभी बूटेबल कोई भी बूटेबल पेन ड्राइव आप मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ये बूटेबल मेरा पेन ड्राइव है, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। आप भी बूटेबल कर लीजिए पेन ड्राइव को, बूटेबल किस तरह किया जाता आप लोगों को पता होगा शायद। उसके बाद विंडोज को दोबारा रिस्टार्ट कीजिए, यानी अपना कंप्यूटर को दोबारा रिस्टार्ट कीजिए, ओके। यहाँ पे वही सेम फाइल विंडोज फाइल लोडिंग दिखा रहा है, सेम ओपन होगा, रिपेयरिंग पेज ओपन होगा, तो मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ रिस्टार्ट किस तरह किया जाता है, सॉरी। देखिए सेम पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे एंटर कर लिया है, तो मुझे रिस्टार्ट करना है। फोर्स रिस्टार्ट यहाँ पे देख रहे हो व्यूअर्स, इसके बाद आप प्रेस 12 प्रेस कीजिए, 12 की प्रेस कीजिए, F12 प्रेस करते रहना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे बूट डिवाइस यहाँ पे ओपन हो चुका है, यानी बूट मेनू ओपन हो चुका है व्यूअर्स, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना बूटेबल पेन ड्राइव कहाँ पे शो कर रहा है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, मैं क्लियर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये रहा मेरा सैनडिस्क बूटेबल पेन ड्राइव है, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, तो मुझे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, यानी एंटर कीजिए आप। इसके बाद यहाँ पे कोई भी एक प्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, कोई भी की एक प्रेस कर लिया, ओके। उसका विंडोज यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए विंडोज 7 इंस्टॉलेशन पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है व्यूअर्स। इसी दौरान आपको शिफ्ट प्लस F10 की प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस F10, देखिए CMD यहाँ पे ओपन हो चुका है व्यूअर्स। इसके बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए DIX डिस्क पार्ट, आप टाइप कीजिए, इसके बाद आप एंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्क पार्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज दिखा रहा है व्यूअर्स, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड यहाँ पे शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक किया है, तो आप स्पेलिंग आप सही तरह से टाइप कीजिएगा, ओके। इसके बाद आप टाइप कीजिए यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए,
देखिए जिक्स पार्ट यहाँ पे ओपन आ चुका है, तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए लिस्ट डिक्स, इसके बाद आप टाइप कीजिए यहाँ पे जितना भी अपना हार्ड डिस्क पे, यहाँ पे जो भी हार्ड डिस्क इस मैंने जो पुराना हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे अटैच किया है उसी हार्ड डिस्क में कितना ड्राइव है यहाँ पे शो करेगा व्यूअर्स। यहाँ पे देखिए तीन ड्राइव है लेकिन लास्ट वाला जो ड्राइव है कोई भी मीडिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहे, आप यहाँ से आप चेक कर सकते डिस्क वॉल्यूम भी आप देख सकते हो। इसके बाद आप टाइप कीजिए लिस्ट वॉल्यूम BOLUME वॉल्यूम टाइप कीजिए, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, पार्टीशन कितना पार्टीशन है ऑलरेडी यहाँ पे मेरा डिस्क पे, यहाँ पे DEFHG देखिए इतना वॉल्यूम है व्यूअर्स। तो ई पे क्या क्या नाम लिखा रहा है अदर्स एंड यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है सॉफ्ट NFTs एंड यहाँ पे कितना GB का है यहाँ पे शो कर रहा है व्यूअर्स। तो मेरा सिस्टम का जो ड्राइव है कौन सा ड्राइव है मेरा सिस्टम का वही आप यहाँ से आप चेक कर सकते, जैसे कि सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है डी है, ओके मेरा डी है तो डी को मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा, ओके बाकी सब मेरा जैसे ही वैसे ही रहेगा, सिर्फ डी को मुझे फॉर्मेट करना है, ओके तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए SELECT सिलेक्ट BOLUME वॉल्यूम कौन सा है वन नंबर वन, ओके तो नंबर वन यहाँ पे टाइप कीजिए, उसके बाद आप एंटर टाइप एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम वन इज द सिलेक्टेड वॉल्यूम लिखा रहा है, तो आप फॉर्मेट करने के लिए CLEAN क्लीन आप टाइप कीजिए, इसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए व्यूअर्स, देखिए डिस्क पार्ट सक्सेस इज क्लीनिंग द डिस्क, यानी आपका जो डी ड्राइव है, सॉरी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको डी ड्राइव है, जो डी ड्राइव है वॉल्यूम नंबर वन जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था वो टोटली फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ पे नीचे आप लोग देख रहे होंगे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क, यानी फॉर्मेट टोटली हो चुका है व्यूअर्स, ओके तो आप यहाँ पे एग्जिट लेके एग्जिट टाइप करके भी आप यहाँ से आउट हो सकते हो, अदरवाइज क्लोज कर सकते हो ये विंडोज, ओके तो इस तरह अपना जो पुराना हार्ड डिस्क है इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ओके तो इस तरह व्यूअर से वेरी इजीली आप अपने पुराने हार्ड डिस्क को CMD के द्वारा आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो एंड पासवर्ड भी रिमूव कर सकते हो, वेरी इजी व्यूअर्स है, ओके इसके रिगार्ड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना, ओके थैंक यू, जय हिंद।